वेलकम फ्रेंड्स, मैं लोकेंद्र सिंह। तो जैसा कि आपको पता है कि कल सीएसबी ने रैली जो हुई थी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उन सभी की पीएसएल लिस्ट पब्लिश कर दी है। ये तो सभी सभी को पता होगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा और यूट्यूबर्स की तरह कि आपकी पीएसएल आ चुकी है, देख लीजिए, वो कर लीजिए, क्योंकि ये सभी तो और बता चुके हैं। मैं वो बात बताऊँगा जो किसी ने नहीं बताई अभी तक। तो सबसे पहले तो जो वो बंदे जो जिनको रीमेडिकल मिला था, जो फिट हो चुके हैं या जिनका रीमेडिकल अभी हुआ नहीं है, उनको पीएसएल में अनफिट दिखा रहा है। तो फिट को अनफिट क्यों शो कर रहा है पीएसएल में, मैंने लिखा है कि डोंट वरी। तो बात यह है कि जिनका भी जिनके पास ग्रीन कार्ड है, रीमेडिकल से ग्रीन कार्ड मिला, या जिनका रीमेडिकल बाकी है और आपको अनफिट दिखा रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी इनरोलमेंट को पब्लिश होने में 10 दिन बाकी हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो आपका डाटा है रीमेडिकल के थ्रू जो डाटा जाता है सीएसबी के पास बाय पोस्ट, वो अभी तक पहुंचा नहीं है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये खुद सीएसबी ने बोला है। मैंने अभी सीएसबी से बात की और मैं आपको सुना भी देता हूँ। और मैंने लिखा है कि 31 जो मई वाले पीएसएल वाले बंदे हैं, जो 31 मई 2020 को आई थी, उनका चांस है या नहीं है। तो इन सभी का जवाब मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग से सुनाऊंगा। मैं आपको पहले प्रूफ देता हूं कि मैंने अभी बात की कितनी देर तक की, कितना क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, अभी 10:58 हो रहा है और मैंने 10:46 पर अभी थोड़ी देर पहले सीएसबी से बात की, 1:36। तो उन्होंने क्या बोला, चलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि उन्होंने पीएसएल जो अनफिट हैं उनका और 31 मई वालों का क्या बोला। तो फ्रेंड्स, जो मैंने सीएसबी से बात की वो अभी आपको मैं सुना देता हूँ। उसमें मेरे को रीमेडिकल में फिट कर दिया, ग्रीन कार्ड मिल गया, लेकिन सर इसमें अनफिट दिखा रहा है। अपडेट रिकॉर्ड हो गए तो उसको बोलेगा आपने ग्रीन कार्ड दे दिया ना। यस सर। अच्छा सर। तो सर, और सर इसमें कोई ये थोड़ी है कि मतलब अनफिट कर दिया है तो अब नहीं लेंगे। नहीं सर, इसमें अनफिट दिखा रहा है ना, तो कल से टेंशन हो रही है। और सर जो पुरानी पीएसएल से बंदे थे उनका सर, हेलो, हाँ बोलो सर, जो बंदे 31 मई वाली पीएसएल में थे ना, उनका सर उनका भी तो बोल रहे थे ना क्या कि सर उनका भी लेने के चांस हैं। सर उनको ले सकते हैं सर, उनका कंफर्म है सर, या फिर मतलब अभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है कंफर्म, तो ये इंटेक ही नहीं है। अच्छा सर। तो फ्रेंड्स, मैंने जब उनसे पूछा कि 31 मई वालों का क्या कन्फर्म है, तो उन्होंने बोला कि ये इंटेक ही कन्फर्म नहीं है। तो अभी उनके बारे में कुछ बोलना मेरे को नहीं लगता कि सही होगा। जहाँ तक है चांसेस हैं, लेकिन वो इनरोलमेंट का वेट तो करना पड़ेगा जो 25 जैन को पब्लिश होगी। तो कुछ बंदे बोलेंगे कि भाई फेक है रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब, ये देखो बिल्कुल फेक नहीं है, मैं आपको प्रूफ भी दे चुका हूँ। देखो ये मैंने बात की सीएसबी से, ये प्रूफ है। आप जो मोबाइल नंबर है, ये जो नंबर है लैंडलाइन नंबर, इसको देख सकते हो और टाइमिंग भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने इस ऑडियो में थोड़ा झूठ बोला उनसे। मैंने बोला कि सर मैं कानपुर रैली से था और मैं रीमेडिकल में फ़िट कर दिया, मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ा झूठ बोला। तो आई थिंक आप सभी को कुछ समझ में आया होगा कि आपको टेंशन लेनी नहीं है अगर आप अनफिट हो पीएसएल में, लेकिन आपको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, अभी आपका रीमेडिकल बाकी है। और 31 मई वालों को बस मैं बोलता हूँ कि 25 जैन का वेट करो। ओके फ्रेंड्स, मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, और ऐसी जानकारी लेने के लिए या फिर आपकी कोई क्वारी हो तो उसके लिए आप मेरे को आस्क कर सकते हो। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।